चलिए जी, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करते हैं सीएचएन के टॉपिक की, ठीक है। सीएचएन को हम कंप्लीट कर देंगे, साथ साथ में मैं गारंटी के साथ कर रहा हूँ लगभग एक डेढ़ महीने के अंदर अंदर सारा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। अच्छी सी नोटबुक डाल लीजिए सब सब्जेक्ट की और साथ साथ में आप लिखते रहिएगा, ठीक है। तो बात हम करते हैं सीएचएन के चैप्टर नंबर फर्स्ट, हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। इससे पहले हमने रिसर्च के लगभग पाँच यूनिट हमने कर लिए, पाँच चल रहा अभी, और साथ साथ मैनेजमेंट भी काफ़ी कर ली है, ठीक है, और पीडियाट्रिक साइकेट्रिक वो सब अपनी हो रखी है। तो शुरू करते हैं हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। इंट्रोडक्शन के बात करते हैं कि हेल्थ केयर सर्विस इन जनरल आर रेंडर्ड बाय गवर्नमेंट। के जो भी हेल्थ केयर सर्विसेज होती है, चाहे कोई भी आपकी हेल्थ केयर सर्विसेज होती है, वो सब की सब किसके द्वारा चलाई जाती है, गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती है। थ्रू ए नेटवर्क ऑफ हेल्थ सेंटर फ्रॉम ग्रास रूट एरिया टू द ब्लॉक लेवल इन द रूरल एरिया, थ्रू हॉस्पिटल, फैमिली वेलफेयर सेंटर, MCH, मैटरनिटी एंड चाइल्ड हेल्थ। मतलब होता है कि जितनी भी स्वास्थ्य संबंधी जितनी भी आपकी सेवाएं होती है, जैसे अभी आपने सुना होगा अगर चिरंजीवी योजना होती है, भामाशाह योजना होती है, ठीक है, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र होते हैं, और साथ साथ में आपका जो कोई भी प्रोग्राम चलाए जाते हैं, जैसे आंगनबाड़ी प्रोग्राम है, मिड डे मील प्रोग्राम है, ठीक है, तो ये सब सरकार के द्वारा चले जाती है जितनी भी हेल्थ केयर फैसिलिटी होती है। अब ये ऐसे नहीं चलती है कि भाई सरकार ने बना दी ऐसे चल जाएगी, ऐसे नहीं चलती है। ये किसके द्वारा चलती है? नेटवर्क के द्वारा। नेटवर्क कैसा होता है? सेंटर फ्रॉम ग्रास रूट एरिया टू ब्लॉक, यानी कि एक बड़े एरिया से लेकर के पूरे ब्लॉक लेवल तक, यानी कि रूरल लेवल तक, गांव तक ये सब सेवाएँ मिलती है। किसके द्वारा? हॉस्पिटल के द्वारा, मैटरनिटी, या फिर अगर कोई फैमिली वेलफेयर सेंटर्स हैं उनके द्वारा, या फिर मैटरनिटी एंड चाइल्ड हेल्थ सेंटर के द्वारा। देयर आर ऑल्सो वॉलंटरी एंड प्राइवेट एजेंसीज। वॉलंटरी मतलब जिनकी अगर इच्छा होती है, एक होती वॉलंटरी मतलब जिनकी इच्छा से, इनवॉलंटरी मतलब अनिच्छा से। तो कुछ ऐसे कोई सेंटर्स होते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल, जो बोलते हैं कि भाई मेरी इच्छा है, आप हम भी गरीबों की लोगों की सेवा करना चाहते हैं, तो आप हमारे भी यहाँ पे जो सुविधा है, जैसे आपने सुना होगा राजस्थान के अंदर RGHS कार्ड चलता है सरकारी कर्मचारी के अंदर, और उनके लिए भामाशाह कार्ड और चिरंजीवी योजनाएँ चलती है। तो प्राइवेट हॉस्पिटल बोलते हैं कि भाई ये जो सब सुविधाएँ हैं ये हमें भी दे दो, हमारे हॉस्पिटल में रेगुलेट कर दो, ताकि अगर आपके वहाँ पे पेशेंट ज़्यादा हो तो हम भी इनका इलाज कर सकते हैं, ठीक है। तो देयर आर ऑल्सो वॉलंटरी एंड प्राइवेट एजेंसीज, ठीक है, आर फंक्शनिंग टू डील विद द हेल्थ प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल। जो भी हेल्थ प्रॉब्लम होती है लोगों की, उनके साथ डील करने के लिए प्राइवेट एजेंसी भी कुछ ना कुछ होती है, ठीक है। आपने सुना होगा और कौन कौन है, मैं बता देता हूँ एक बार, आप लिख लेना कहीं पर, कि जो सबसे ज़्यादा होता है WHO, यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन एमरजेंसी फंड, और इसके साथ साथ में वर्ल्ड बैंक, ये सब जो बाहर की एजेंसियाँ हैं ये भी भारत में कोऑपरेट करती है। किसके लिए? हेल्थ केयर सर्विसेज के लिए। आपने सुना होगा TB के लिए, TB प्रोग्राम चलता है, तो TB के लिए कौन फंडिंग प्रोवाइड करता है? बाहर से फंडिंग आती है, स्वदेश देश से, होता है SIDA, SIDA है ना, लिख लेना, स्वदेश इंटरनेशनल डेवलपमेंटल एसोसिएशन। आपने सुना होगा कैटरेक्ट के लिए सर्जरी कराई जाती है भारत में, लोग देखा ना आपने ब्लैक ब्लैक चश्मे लगा करके घूमते हैं, भाई माँ की सर्जरी कराई, सरकार सर्जरी करवाई, सरकार नहीं, वो कहाँ से आता फंडिंग उसकी, ब्लाइंडनेस की फंडिंग कौन करता है? डेनिडा करता है, DANIDA, डेनिडा है ना, लिख लेना साथ साथ में आप नाम इनके, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेनिडा क्या होता है? डेनिस नेशनल इंटरनेशनल एसोसिएशन, डेवलपमेंट एसोसिएशन, ठीक है, डेनिडा हो गया। आपके एक होता है USAID, ये किसकी करता है देखना, फंडिंग किसकी करता है, USAID भी फंडिंग करता है। तो ये कुछ प्राइवेट एजेंसियाँ भी होती है जो कि फंडिंग करती है सरकार के साथ साथ में। स्टेट आर लार्जली इंडिपेंडेंट इन मैटर रिलेटेड टू द डिलीवरी ऑफ हेल्थ सर्विसेज ऑफ पीपल। स्टेट डेवलप्ड इट्स ओन सिस्टम ऑफ हेल्थ केयर डिलीवरी। जो स्टेट होता है वो खुद इंडिपेंडेंट होता है, मतलब क्या होता है कि भाई वो खुद स्वतंत्र होता है कि अगर जिस प्रकार की फैसिलिटी वो प्रोवाइड कराना चाहता है अपने लोगों को, स्टेट खुद भी प्रोवाइड करा सकता है। सरकार तो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्प करती है, अगर मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्प ना करे, या सेंट्रल गवर्नमेंट अपना कुछ अलग स्कीम चलाए, तो सरकार के पास भी ये पावर होता है, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी, राज्य सरकार के पास भी, कि अपने राज्य के अंदर अपनी जो भी फैसिलिटी चलाना चाहता है वो चला सकते हैं, ठीक है। तो स्टेट आर लार्जली इंडिपेंडेंट इन मैटर रिलेटेड टू डिलीवरी ऑफ हेल्थ सर्विसेज एंड स्टेट डेवलप्ड इट्स ओन सिस्टम ऑफ हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। सरकार के अंदर सरकार ने दवाइयाँ भेजी, ठीक है, अभी जैसे वैक्सीनेशन भेजा, तो वैक्सीन जो भेजी तो किसके पास है? राज्य सरकार के पास में, अपने अपने राज्य में, हर किसी में, जैसे हरियाणा हरियाणा है, राजस्थान है, पंजाब है, गुजरात है, चंडीगढ़ है ना, तो इनमें जब आई तो इनकी सरकारों की फिर मेन उत्तरदायित्व तो बन जाता है कि ये आगे लोगों को रूरल एरिया तक पहुँचाए। जैसे अभी मैंने जैसे थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि स्टेट कैसे अपने आप में ओन डिलीवरी ओन हेल्थ केयर सिस्टम चलाता है,
जैसे मानो अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि RGHS कार्ड है, या फिर मैंने कहा भामाशाह कार्ड है, चिरंजीवी योजना है, तो ये राजस्थान में देखने को मिलेगी, बाहर आपको ये योजना नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि ये राजस्थान सरकार ने इम्प्लीमेंट की है। कुछ बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, द रेस्पॉन्सिबिलिटी कंसिस्ट ऑफ ए पॉलिसी मेकिंग, प्लानिंग, गाइडिंग, असेसिंग, इवाल्वेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग द वर्क ऑफ स्टेट विद हेल्थ ऑफ मिनिस्ट्री मिनिस्टर्स। अब देखिए, अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो भी इंडिपेंडेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होती है कि भाई पॉलिसी को बनाना, कोई भी हेल्थ रिलेटेड पॉलिसी बनाएगी, उसकी प्लानिंग करेगी, ठीक है, फिर उसको गाइड करेगी, असेस करेगी, इवाल्वेट करेगी, कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट। और जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके साथ कोऑर्डिनेट भी करेगी। स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहती है कि भाई मैंने प्लानिंग तो मैंने जो कोई योजना बना तो दी, हम अपने राज्य के अंदर कुछ काम करना चाहते हैं और हमें सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्प चाहिए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें भी अपना हेल्प करती है, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखो, हेल्थ इज़ ए फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी पर्सन, क्योंकि हमें पता है हेल्थ जो सभी व्यक्तियों का फंडामेंटल राइट है, यानी स्वास्थ्य सबका मौलिक अधिकार है। एवरी पर्सन, इट्स गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड हेल्थ केयर ऑल द पीपल इन इक्वल मेजर, और ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि सभी लोगों को स्वास्थ्य की सुविधाएं दी जाए। और एक चीज़ मैं आपको एक और बता देता हूँ आज, ठीक है, जो आज की जो क्लास है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी आपके, ये तो पर्पस है ही एग्ज़ाम के पर्पस से, पर आपके नॉलेज के पर्पस से, अगर आप चार लोगों के बीच बात कर रहे हो तो आपको पता भी होना चाहिए। जैसे सरकार ये क्यों लेके आई बताओ मेरे को, सरकार को क्या जरूरत पड़ी बालिका बचाओ बालिका पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है ना, और दूसरा क्या था अपना ये खाने वाला मिड डे मील सिस्टम क्यों लेके आई, क्यों भाई स्वास्थ्य फ्री कर रही है, क्या कुछ हो रहा है, क्यों बच्चों को पढ़ा रही है ना। तो देखो, अपने देश में एक होती है GDP, तो GDP तीन चीज़ों पर क्या होती है, निर्भर होती है। GDP मतलब जानते हो ना, सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तीन चीज़ों पर होती है, पहली क्या होती है, लिटरेसी रेट, दूसरा होता है पर कैपिटा इनकम, और तीसरा होता है अपने इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। तो अगर जब GDP बढ़ती है ना देश की, जो पहले कम थी अभी GDP बढ़ी है, तो क्या होता है बाहर से लोन इनको बहुत सस्ता मिलता है। अब ऐसा तो है नहीं कि 10 लाख 15 लाख का लोन लेंगे, हज़ारों करोड़ों में लोन लेते हैं ये, तो हज़ारों करोड़ों जब लोन लेते हैं ना, तो इनको हज़ारों इनका ब्याज चुकाना पड़ता है। तो अगर हज़ारों मतलब मान लीजिए अगर 500 करोड़ का लोन लिया, तो कम से कम मान लो 20 करोड़ इनको चुकाना पड़ेंगे उनके ब्याज में। और अगर सोचो यही 20 करोड़ अगर भारत में लगे तो कितना बड़ा डेवलपमेंट होता है, हर राज्य के अंदर 5-5 एम्स बन जाए, सही है कि नहीं है। तो अब क्या होता है कि GDP तीन चीज़ों पर डेवलप निर्भर करती है। पहला मैंने बताया पर कैपिटा इनकम, मानो मतलब प्रति व्यक्ति कितने लोग रुपए कमा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ भारत में क्या है कि बेरोजगार जो लोग ज़्यादा हैं लगभग, तो क्या होता है अब उनके, जैसे मान लीजिए एक आदमी घर पर बैठा है, तो उसकी प्रति व्यक्ति आय कितनी होगी, एक व्यक्ति की 0 हो गई, उसकी खुद की आय 0 हो गई। अब मान लो उसको कुछ ना कुछ काम लगाओ, 10,000 में भी काम दिलवाओ, इसीलिए मान लो उसे प्राइवेट कंपनी में लगाया, 10,000 में लगाया, तो उस व्यक्ति की आय कितनी होगी, 10,000। पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। दूसरी होती लिटरेसी रेट, बच्चों को पढ़ाएंगे बच्चे बढ़ेगी, छोटे बच्चों को पढ़ाएंगे, सरकारी स्कूल में फ्री पढ़ाएंगे, तो उससे लिटरेसी रेट बढ़ेगी। और तीसरी होती इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, कि बच्चे कम से कम मरे, एक साल से कम मरे, तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए हॉस्पिटल में मदर को कहते हैं भाई हॉस्पिटल डिलीवरी कराओ आप, हैं, फिर डिलीवरी के बाद आपको इतने रुपये मिलेंगे, फिर उतने रुपये देते हैं, इतने साल तक का बेटी है तो इतने साल तक हम पैसे देंगे, क्यों, क्योंकि उन्हें पता है इससे हमारी क्या हो रही है, GDP बढ़ रही है, समझ में आया आपको। नेक्स्ट आ जाओ फिर डेफिनेशन ऑफ हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। अब से अपना मेन मोटो शुरू हुआ है कि HCD हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम रिफर्स टू द टोटलिटी ऑफ द रिसोर्सेज दैट इन ए पॉपुलेशन और ए सोसाइटी डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑर्गेनाइजेशन एंड डिलीवरी ऑफ हेल्थ सर्विसेज। इट ऑल्सो इंक्लूड ऑल हेल्थ सर्विसेज, पर्सनल सर्विसेज, पब्लिक सर्विसेज परफॉर्म्ड बाई इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूट फॉर द पर्पज ऑफ मेंटेनिंग एंड रिस्टोरिंग हेल्थ। यानी हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम मतलब होता है कि टोटलिटी ऑफ रिसोर्सेज, के अपने पास जितने भी संसाधन हैं, दैट इज इन पॉपुलेशन, कि अपने पॉपुलेशन में जितने भी रिसोर्सेज हैं, और सोसाइटी के अंदर जितने भी है, डिस्ट्रीब्यूट्स इन ऑर्गेनाइजेशंस एंड डिलीवरी टू हेल्थ सर्विसेज, मतलब जितने भी संसाधन हैं उनको लोगों में बांटा जाए। जैसे मान लीजिए वैक्सीन आके पड़ी है, तो पड़ी रहने का क्या मतलब है, सभी लोगों में बांटी जाएगी, तो उसे क्या बोलते हैं, हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। हेल्थ केयर को क्या करना है, डिलीवरी करना, जितने भी चाहे रिसोर्सेज हैं हमारे पास में, कोई भी संसाधन है, BCG का टीका है, चाहे OPV का टीका है, कोई भी अपने पास में वो सब, ठीक है। इट ऑल्सो इंक्लूड, इसके अंदर और भी क्या इंक्लूड होता है, हेल्थ सर्विसेज, लोगों को क्या प्रोवाइड करनी, अच्छी हेल्थ प्रोवाइड करनी। पर्सनल सर्विसेज मतलब क्या होती है, अगर मान लीजिए उन्हें कुछ, पर्सनल सर्विसेज मतलब क्या होता है, किसी लोगों को जो बीमारी हो उसके पर्सनल सर्विस हो गई। पब्लिक सर्विस, ठीक है, इसे कहते हैं अपनी
दूसरी डेफिनेशन एक और है इसकी जो आपके लिए शॉर्ट रहेगी एग्जाम पर्पस के व्यू से, वो आप याद रखना कि इट इम्प्लाइज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल, इसमें एक ऐसे लोगों का समूह होता है या कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट का समूह होता है या कुछ रिसोर्सेज का समूह होता है टू डिलीवर हेल्थ केयर सर्विसेज टू मीट द हेल्थ नीड ऑफ टारगेट पॉपुलेशन के, किसी भी टारगेट पॉपुलेशन की हेल्थ की नीड को पूरा करने के लिए अगर कुछ लोगों का समूह है, कुछ इंस्टीट्यूट्स का समूह है, ठीक है, या कुछ रिसोर्सेज का समूह है, अगर उन लोगों को मिल जाए जिन्हें ज़रूरत है तो उसे बोलते हैं हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। यानी सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूँ परिभाषा क्या कहना चाह रही है, इट इम्प्लाइज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल। अच्छा, लोगों का ऑर्गेनाइजेशन मतलब होगा किसका, हॉस्पिटल के स्टाफ, नर्स का, डॉक्टर का, वार्ड बॉय का, इन सब का क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है इन लोगों का, ठीक है। इंस्टीट्यूट मतलब हो गया हॉस्पिटल, हॉस्पिटल का खुद का वो रिसोर्सेज, जितनी भी सेवाएं हॉस्पिटल में उन सब का, अगर वो सब सेवाएं किसी एक मरीज को मिले जिसको वो ज़रूरत है तो उसे हम बोलते हैं हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। आई थिंक समझ में आया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं फिलोसॉफी ऑफ एचसीडी कि हेल्थ केयर सिस्टम की फिलोसॉफी क्या है, ठीक है। फर्स्ट है, एवरीवन फ्रॉम बर्थ टू डेथ इज द पार्ट ऑफ द हेल्थ केयर सर्विसेज के, कोई भी व्यक्ति भारत का हो चाहे कहीं दूसरी जगह का हो, अगर वो जन्म से लेकर के मृत्यु तक का वह सब का सब किसका पार्ट रहेगा, हेल्थ केयर सर्विसेज का पार्ट रहेगा, यानी उसको हेल्थ केयर सर्विसेज मिलेगी, ठीक है। द कंज्यूमर ऑफ हेल्थ सर्विसेज इज ए क्लाइंट नॉट ए कस्टमर, कि जो आदमी जिन्हें हम हेल्थ केयर सर्विसेज देते हैं वो हमारे लिए कोई कस्टमर नहीं है, हमारे लिए कोई ग्राहक नहीं है, वो हमारे लिए क्लाइंट है, ठीक है। तीसरा, कंज्यूमर आर लेस इन्फॉर्म अबाउट हेल्थ सर्विसेज देन एनीथिंग एल्स दे परचेज, कंज्यूमर आर लेस इन्फॉर्म अबाउट हेल्थ सर्विसेज देन एनीथिंग एल्स दे परचेज, मतलब होता है कि जो कंज्यूमर होता है जो चीज़ ले रहा है उसे ज़्यादा पता नहीं है उसके, पर हमें कंज्यूमर आर लेस इन्फॉर्म मतलब उन्हें पता ही नहीं है अबाउट हेल्थ सर्विसेज कि कौन कौन सी हेल्थ सर्विसेज यहाँ पे उपलब्ध हैं, एनीथिंग एल्स दे परचेज, कुछ भी हो वो क्या करते हैं परचेज कर लेते हैं, ठीक है। हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम इज यूनिक, और हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम एक यूनिक सिस्टम है बिकॉज क्योंकि इट इज़ नॉट कम्पिटेटिव इन मार्केट, क्योंकि इसमें कोई कंपटीशन नहीं है मार्केट में। हालांकि मानते हैं कि आजकल तो कंपटीशन चल रहा है यार, कोरोना के बाद हमें कंपटीशन देखने को मिल रहा है, पर ऐसा पहले नहीं था, पहले कोई ऐसा कोई कंपटीशन वगैरह नहीं था। ऐसा थोड़ी है कि ये हॉस्पिटल अगर मान लो 500 ऑपरेशन करता है तो इसे कुछ ज़्यादा ही कुछ मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं, कंपटीशन नहीं होता। बाकी बाजार में कंपटीशन चल रहा है, इसकी दुकान में ग्राहक कम जाना चाहिए, मेरे दुकान में ग्राहक ज़्यादा आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, क्या क्या इनके गोल है, गोल मतलब क्या क्या इनके लक्ष्य हैं। पहला, इंप्रूव एंड प्रोटेक्ट द हेल्थ ऑफ द पीपल, हमें क्या करना है, लोगों की हेल्थ को इम्प्रूव करना है। मीट द नीड ऑफ एंटायर पॉपुलेशन, जितने भी पॉपुलेशन है जिसकी जो जो नीड है उनको हमें पूरा करना है। कवर द फुल रेंज ऑफ द प्रिवेंटिव प्रमोटिव थेरापेटिव रिहेबिलिटेटिव सर्विसेज, और हमें किसी बीमारी को, अभी क्या होता है देखो, प्रिवेंटिव प्रमोटिव क्यूरेटिव रिहेबिलिटेटिव, प्रिवेंटिव मतलब किसी बीमारी को होने से ही रोक दो, प्रमोटिव मतलब क्या होता है उसकी जो बीमारी हुई है चलो उसको प्रमोट करो वापस, अब उसकी हेल्थ को प्रमोट करो, थेरापेटिव मतलब उस पर अब इलाज करो, रिहेबिलिटेटिव मतलब जिस स्थिति में पहले था उस स्थिति में वापस उसको लेकर के आओ, ठीक है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज, और हेल्थ केयर सर्विसेज का पूरा इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन करो बहुत ही रूलर एंड अर्बन, ऐसा नहीं है कि जो लोग सिटी में हैं उनको ज़्यादा हेल्थ केयर सर्विसेज देगी और जो गांव के अंदर उन्हें नहीं देंगे, सिटी वालों को सबसे पहले वैक्सीनेशन से पूरा वैक्सीन लगाएंगे तो गाँव वालों को नहीं लगेंगे, ऐसा हमें नहीं करना है, ठीक है। इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन करना टू रिड्यूस द टोटल इकोनॉमिक बर्डन ऑफ द हेल्थ केयर, और हमें क्या करना है जितना भी इकोनॉमिक बर्डन है हेल्थ केयर का, जब मान लीजिए अगर कोई ऑपरेशन में कितना खर्चा आता है, आजकल के ऑपरेशन देखो यार, चिरंजीवी योजना के थ्रू या भामाशाह योजना के थ्रू बिल्कुल ऑपरेशन सस्ते हो गए, सस्ते क्या फ्री हो गए लगभग, है ना। तो इतनी अच्छी हेल्थ केयर सर्विसेज अपने यहाँ पे होनी चाहिए, तो इससे क्या होता है लोगों का इकोनॉमिक बर्डन जो आर्थिक बर्डन है, आर्थिक तंगी है, वो यहाँ से उससे वो बच सके, है ना। नेक्स्ट है टू मेक इन द हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम बेस्ड ऑन चेंजिंग ट्रेंड्स, ये आपको पता ही है। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ एसीडी, यानी कि एसीडी के क्या क्या फंक्शंस आपको होते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रमोटिव हेल्थ एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विसेज, सबसे पहला आपको हेल्थ एजुकेशन प्रमोट करना है और दूसरा आपको हेल्थ सर्विसेज प्रमोट करनी है। अब कैसे हेल्थ एजुकेशन और हेल्थ सर्विसेज प्रमोट करोगे, अरे भैया आप जाओगे कहाँ पे, कम्युनिटी के अंदर, कम्युनिटी में लोगों को जाकर बताओगे बीमारी के बारे में बताओगे, ठीक है, बीमारी से होने वाले इलाज के बारे में बताओगे। टू प्रमोट क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी, आप जो है क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंक्रीज करोगे, किस प्रकार से करोगे, मान लीजिए आप उन लोगों को बताओगे किस प्रकार से रहना है, कैसे खाना खाना है, ठीक है, कौन सी चीज़ के ऊपर कौन सी चीज़ नहीं खाना है, समझ। अरे छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इन लोगों को पता नहीं होती है, कुछ भी खा लेते हैं उसके ऊपर कुछ भी खा, जैसे हमें बताया एसिड बेस इनबैलेंस क्या होता है, एसिड बेस बैलेंस क्या होता है, उन्हें थोड़ी पता बेचारों को, ठीक है, कहाँ पोटेशियम ज़्यादा खाना है, कहाँ सोडियम ज़्यादा खाना है, सेबते रहते हैं, मतलब हर किसी के नहीं बोलो, मतलब कुछ कुछ ऐसे होते रहते हैं, ठीक है। उन लोगों को बताना भी हॉस्पिटल डिलीवरी क्यों इंपॉर्टेंट है, और क्या बताओगे, इम्यूनाइजेशन क्यों करवाना ज़रूरी है, टीका क्यों लगवाना ज़रूरी है ना,
वो ऐसा नहीं कहते कि मारो बच्चों जन्मते ही, बच्चे के जन्मते ही आप इंजेक्शन लगवा रहे हो यार, ये तो छोटा बच्चा इसको क्या हुआ, ऐसा नहीं, उनको समझाना आपको, ठीक है। नेक्स्ट होता है टू प्रमोट मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ फैमिली प्लानिंग एडोलसेंट हेल्थ सर्विस। उन्हें ये बताना है कि भाई मैटरनल चाइल्ड हेल्थ क्या होता है, मैंने अभी जैसे आपको बताया, ठीक है, बच्चे दो ही अच्छे, ठीक है, ये उन्हें समझाना है चाइल्ड की हेल्थ किस प्रकार से करनी है। आजकल का एक पहले पहले एक ट्रेंड चलता था दादी माँ, हालांकि दादी माँ वाली सर्विस ठीक थी, पर कुछ ना कुछ उसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करने की आवश्यकताएं थी, ठीक है। बच्चे के जन्म थे उन्हें स्नान करा देते हैं भाई, वो आगे वो उनको पता, आपको पता हाइपोथर्मिया की उसको रिस्क होती है, उसका टेम्परेचर बिल्कुल डिक्रीज हो जाता है, फिर अगर आप ऐसा करोगे तो टेम्परेचर पूरा डिक्रीज हो जाएगा। फैमिली प्लानिंग मेथड क्या है, फैमिली प्लानिंग क्या है, ये क्वेश्चन तो आपने कब से पढ़ रहे होंगे ना। नेक्स्ट एडोलसेंट हेल्थ सर्विसेज, और एडोलसेंट हेल्थ सर्विसेज क्या क्या होती है, ठीक है, टीनेजर के अंदर जैसे मान लीजिए 13 ईयर में आए तो फिर आपको गर्ल्स और बॉयज़ को क्या करना है। अभी अपने भारत में चलती नहीं है, मेन तो कौन सा ये है, अपने भारत में सब चीज़ें चलती नहीं है, वरना ये एडोलसेंट हेल्थ सर्विसेज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा डिप्रेशन का रिस्क रहता है। नेक्स्ट टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल लोकल एंडेमिक डिजीज़, यानी कि जो डेंगू मलेरिया है, जो एंडेमिक डिजीज़ है, उन्हें हमें क्या करना है, कंट्रोल करना, रोकना, बोलना भाई डेंगू किस प्रकार से होता है, डेंगू में क्या क्या होता है, क्या नहीं होता है, मलेरिया किस प्रकार से होगा, घर की नालियों को साफ रखो, सही है कि नहीं, मच्छरदानी का प्रयोग करो। नेक्स्ट प्रिवेंशन एंड कंट्रोल कम्युनिकेशन एंड नॉन कम्युनिकेशन डिजीज़ के, किस प्रकार से कम्युनिकेशन और नॉन कम्युनिकेशन डिजीज़ को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, उन्हें ये बताना। आजकल एक ट्रेंड अच्छा हुआ, पहले कोविड के पहले लोग बिना हाथ धोए कुछ खा लेते थे, मैं खुद भी इनफेक्ट ये था कि हाँ हाथ धो के तो खाना खाता था, पर मान लीजिए बाहर बाजार में कहीं गए या फिर और कहीं पर गए, किसी ने कुछ खिला दिया तो ठीक है, जिस हाथ से थे उस हाथ में पकड़ लेते थे और खा लेते थे। कोविड के बाद या फिर नर्सिंग में आने के बाद इस प्रकार से ट्रेंड बन गया जीवन में कि अब कुछ भी दे दो, कहीं पर भी जेब में हाथ डाले हुए होंगे, कोई चीज़ दे देना, फिर भी हम नहीं खाते हैं कि नहीं नहीं पहले हाथ धोऊंगा। तो ये जो अब इससे कौन सी होती है, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। साथ साथ में नोट्स लिख लेना, बहुत ही शानदार नोट्स हैं, मक्खन मक्खन आपको निकाल निकाल के दे रहे हैं हम, ठीक है, और साथ साथ में नोट्स लिख लेना, इनको पढ़ लेना। नेक्स्ट टू प्रोवाइड इम्यूनाइजेशन सर्विसेज, इम्यूनाइजेशन एक दिन कभी मौका मिलेगा, इम्यूनाइजेशन सर्विसेज आपको पढ़ाएंगे अच्छे से, ठीक है, और पढ़ाएंगे क्या याद करवा देंगे उस दिन। तो टू प्रिवेंट कंट्रोल एंड मैनेज कॉमन डिजीज जैसे डायरिया है, माल न्यूट्रिशन है, एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, इनका किस प्रकार से मैनेजमेंट होता है, किस प्रकार से ट्रीटमेंट होता है, आपको पता है क्वेश्चन एक रिपीटेड आ रहा है, अंडर फाइव ईयर कॉज ऑफ मोर्टिलिटी, बच्चा अगर 5 साल से कम का या 5 साल तक का है तो सबसे ज़्यादा मरने का कारण कौन सा है, डायरिया और निमोनिया, ठीक है। लोग डायरिया, अब जब कभी डायरिया को टी करता है, कभी निमोनिया को मानते हैं, मेनली डायरिया ही होना चाहिए, तो उन्हें बताना है भाई ये डायरिया है तो फिर आप इसको हड़के में बना लिया करो, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं कि हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम इन इंडिया इज डिवाइडेड इन 3 कैटेगरी, भारत का जो हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम है वो 3 कैटेगरी में क्या है, डिवाइड हो रखा है। पहला कैटेगरी सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, 3 लेवल में है भाई, कितने लेवल में रहे छोरा, 3 लेवल में है, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल। क्या है सेंट्रल लेवल, सेंट्रल लेवल क्या होता है, सेंट्रल लेवल मतलब होता है केंद्र सरकार के अधीन, केंद्र सरकार मतलब समझते हो मोदी जी के अधीन, ठीक है। द ऑफिशियल ऑर्गन ऑफ द हेल्थ सिस्टम एट द सेंट्रल लेवल, द ऑफिशियल ऑर्गन ऑफ द हेल्थ सिस्टम एट सेंट्रल लेवल कंसिस्ट ऑफ, ऑफिशियल मतलब इसलिए बोला है क्योंकि भाई अपने घर में दादाजी, पापा और फिर हम 3 हैं, अब तो सबसे पहले मान लीजिए अगर ये नहीं कि दादा वो है डोमिनेंट हैं, ठीक है, घर का प्रभुत्व वही करते आ रहे हैं, तो फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी अपने लिए, उनका आदेश ही सुप्रीम होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि दादाजी की तबीयत वगैरह ठीक नहीं रहती या फिर और कुछ प्रॉब्लम है तो फिर पापा जी के ऊपर, अगर मान लीजिए संयुक्त परिवार हैं तो जो बड़े होंगे घर के उनका आदेश प्रमुख होगा। तो सेंट्रल लेवल के अंदर फर्स्ट क्या होगा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, MOHFW, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ध्यान रखना मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ यानी फैमिली बाल, फैमिली वेलफेयर मतलब बाल कल्याण और सॉरी परिवार कल्याण है, परिवार कल्याण और स्वास्थ्य मंत्रालय, यानी कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, हिंदी में अच्छे से याद रहेगा आपको, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, कल्याण मतलब वेलफेयर, तो फर्स्ट है इसमें 2 होंगे, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में 2 होते हैं। डायरेक्टर, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, DGHS क्या होता है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, और दूसरा होता है सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ, CCH, ठीक है। तो शुरू करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ यानी स्वास्थ्य मंत्रालय और फैमिली वेलफेयर, इट इज़ हेडेड बाय कैबिनेट मिनिस्टर, उसका जो हेड होता है वो होता है कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर तो समझते हो सेंट्रल गवर्नमेंट कैबिनेट मिनिस्टर होता है, केंद्रीय मंत्री,
The cabinet minister is potential appointed. The cabinet minister is potential appointed. मतलब कि जो सरकार चुन करके आती है वो सरकार सबको एक एक मंत्रालय सौंपती है. किसी को कृषि मंत्रालय, किसी को विदेश मंत्रालय, किसी को वित्त मंत्रालय, किसी को मतलब कोई मंत्रालय सौंपती रहती है. तो किसी को एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया, तो किसी को हेल्थ केयर मिनिस्टर बना दिया. तो जो इसका MOHFW है, सॉरी MOHFW, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, उसका जो हेड कौन होगा, उसका हेड कौन होगा, अपने ये होंगे कौन, हेल्थ केयर मिनिस्टर साहब. तो कैबिनेट मिनिस्टर साहब जो होते हैं, ठीक है, अभी कौन है, मनसुख मांडविया है, देखना एक बार कौन है ना. तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, तो ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रक्चर किस प्रकार से होती है, तो ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रक्चर क्या होगी, सबसे पहले आपका आएगा MOHFW, यानी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. ये तो याद हो गया आपको, क्या बोला मैंने, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. अच्छा, इसका हेड कौन होगा, सब कैबिनेट मिनिस्टर होगा, क्योंकि ऊपर का है तो कैबिनेट मिनिस्टर, यानी कि आपका कौन होगा, स्वास्थ्य मंत्री. कौन होगा, स्वास्थ्य मंत्री. पहले कौन थे, डॉक्टर हर्षवर्धन साहब थे, जानते हो आप उनको, स्वास्थ्य मंत्री. कैबिनेट मिनिस्टर के साथ आपको पता है मुख्यमंत्री के बाद उप मुख्यमंत्री होता है, हैं, प्रधानमंत्री के बाद उप प्रधानमंत्री होता है, सरपंच के बाद उप सरपंच होता है ना. अब ये तो पता, उप मतलब पता है ना आपको, कि मतलब उसके नीचे अगर वो नहीं हो उस टाइम पे कौन जिम्मेदारी संभाले. तो फिर उसके बाद में अगर कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है तो साहब अपना डिप्टी कैबिनेट मिनिस्टर, तो डिप्टी हेल्थ मिनिस्टर साहब. डिप्टी हेल्थ मिनिस्टर के साहब के बाद में तीन डिपार्टमेंट अपने आप में अलग हो जाते हैं. ठीक है, मैं इनको थोड़ा सा जूम इन जूम आउट कर दूँ इनको. चलो, अब आपको सही दिख रहा होगा, कंप्लीट आ गया ना. फर्स्ट होता है डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ के अंदर पहले आएगा हेल्थ सेक्रेटरी, हेल्थ सेक्रेटरी के बाद में एडिशनल सेक्रेटरी, फिर जॉइंट सेक्रेटरी, और फिर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ. ऊपर वाली हेडिंग ध्यान रखें, नीचे तो सब लगभग सेम ही चल रहे हैं. फिर डिपार्टमेंट ऑफ फैमिली वेलफेयर, उसमें सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी और एडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ. तीसरा होता है डिपार्टमेंट ऑफ ISM, इंडिजीनियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जिसे हम बोलते हैं आयुष, उसमें भी सेक्रेटरी, फिर होता है डायरेक्टर ऑफ आयुर्वेदा, फिर होता है जॉइंट सेक्रेटरी, फिर होता है एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ. ठीक है, बना लेना चार्ट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा इजी है. नेक्स्ट है जो फंक्शन ऑफ MOHFW, मतलब कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का क्या क्या काम होते हैं, समझ लो जरा. फंक्शन आर डिवाइडेड इन दो पार्ट्स में फंक्शन को डिवाइड कर रखा मैंने. पहला होगा यूनियन यानी संघ सूची, दूसरी होती कॉन्क्रेंट यानी समवर्ती सूची. दो सूचियाँ बनाई गई है इसमें, एक तो होता है यूनियन लिस्ट, दूसरी होती है कॉन्क्रेंट लिस्ट. संघ सूची और समवर्ती सूची. यूनियन लिस्ट क्या होती है, यूनियन लिस्ट कम्स अंडर ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट, कि साहब जो यूनियन लिस्ट होगी वो सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के अधीन आएगी. यूनिक मतलब एक, और एक कौन सी है, सेंट्रल गवर्नमेंट एक है. बाकी स्टेट गवर्नमेंट तो हर स्टेट की अलग अलग है, तो स्टेट गवर्नमेंट कितनी हो गई, जितने स्टेट है उतनी हो गई. ठीक है, तो बात ये हो रही है अपने भारत में कि जो है यूनियन लिस्ट कितनी हो गई, एक हो गई. तो यूनियन लिस्ट कम अंडर ओनली किसके अंडर में आएगी भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आएगी. इसका काम क्या है, मेंटेन इंटरनेशनल हेल्थ सर्विसेज. जो इंटरनेशनल हेल्थ सर्विसेज हैं, अब इंटरनेशनल मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय. अभी मैंने जो आपको बताया डेनिडान, सिद्धान, USAIDN है ना, और क्या बताया मैंने आपको, एक दो और वो बताया ना रे, यूनिसेफ, WHO जो प्रोवाइड कराता है, WHO तो खैर. तो जितने भी हैं ये इंटरनेशनल, अगर कोई भी आपके संबंध बनाना है तो साहब फॉरेन के साथ में डील कौन करेगा, जो पावरफुल होगा वही करेगा. नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ सेंट्रल हेल्थ इंस्टीट्यूट, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सेंट्रल हेल्थ इंस्टीट्यूट. जो भी सेंट्रल हेल्थ इंस्टीट्यूट चलते हैं, जो केंद्र के होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी वैकेंसी निकालती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन हॉस्पिटल हैं, उन सब पे एडमिनिस्ट्रेशन मतलब प्रशासनिक काम कौन करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली हेल्थ फेयर का यूनियन लिस्ट यानी समवर्ती सूची वाला डिपार्टमेंट. जैसे आपका एम्स है, निमहांस है, ठीक है, ये सब. नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पोर्ट क्वारंटाइन. पोर्ट क्वारंटाइन मतलब होता है कि जितने भी समुद्र के रास्ते हैं, जो भी चीज़ें आवाजाही हो रही है, समुद्र के रास्ते अगर कोई मेडिसिन आ रही है, समुद्र के रास्ते अगर कुछ भी हो रहा है, कोई समुद्र के रास्ते कोई चीज़ जाती रहती है, तो उसे बोलते हैं पोर्ट क्वारंटाइन. नेक्स्ट है प्रमोशन ऑफ हेल्थ, प्रमोशन ऑफ रिसर्च थ्रू रिसर्च ऑफ सेंटर. मतलब कि जितने भी, अब रिसर्च का काम कोई भी कराना है ना, तो रिसर्च का काम अगर कोई भी कराना है वो किसके द्वारा होगा, अपने यूनियन लिस्ट के द्वारा होगा. जैसे ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ICMR, रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ मेडिकल, डेंटल, नर्सिंग, फार्मेसी, अदर डिपार्टमेंट.
ठीक है, इन्हीं सब के प्रोफेसर वगैरह को डेवलप करना है सब काम। ये किस किस के लिस्ट में आएंगे? यूनियन लिस्ट में आएंगे, लिख लेना हो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 16 नंबर का सीधा आता है। नेक्स्ट, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मेंटल इलनेस ड्रग स्टैंडर्ड, ड्रग स्टैंडर्ड को भी ये इस्टेब्लिश करता है। सेंसस कलेक्शन यानी कि जो डाटा कलेक्ट कर रहा था, जनगणना कराने का काम भी किसका है भाई साहब, एंड पब्लिकेशन ऑफ स्टेटिकल डाटा, जो जनगणना कराने का काम किसका है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है कि स्टेट का है? तो साहब सेंट्रल गवर्नमेंट का है, यानी कौन सी लिस्ट का है, यूनियन लिस्ट का है। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन विद स्टेट विद अदर, मतलब हम के ये क्या करता है, स्टेट के साथ में कोऑर्डिनेट रहता है, ठीक है। अगर मिनिस्टर ऑफ प्रमोटिंग ऑफ हेल्थ, मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट के भी जो सारे के सारे हेल्थ मिनिस्टर होते हैं उनके साथ में ये जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। वो तो होगी कैबिनेट हेल्थ मिनिस्टर, ये होता है स्टेट हेल्थ मिनिस्टर, तो इनके साथ में भी अपना ये जुड़ा हुआ रहता है ताकि जो समस्या है वो ये जान सकते हैं। नेक्स्ट है इमिग्रेशन एंड इमिग्रेशन, यानी कि कितने लोग भारत में आ रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं, कौन किसको ट्रीटमेंट मिल रहा है, किसको नहीं मिल रहा है, ये सब काम भी किसका है, इन्हीं का है। रेगुलेशन ऑफ लेबर हु वर्किंग इन द माइंस एंड ऑयल फील्ड, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये भूल जाते हो आप बार बार, जो भी ध्यान रखना तेल की खदानों में काम करते हैं या फिर जो माइंस में काम करते हैं ना, मिलों में, उनका रेगुलेशन समवर्ती सूची के यूनियन लिस्ट से होता है। किसको होता है? यूनियन लिस्ट से होता है। लास्ट हम अभी पढ़ रहे हैं कॉन्करेंट लिस्ट, उसके बाद में हम आगे बात करेंगे, है ना। थक गए होंगे आप भी, अभी इजी इजी करो, अभी आप सारा सिलेबस कर लो, मेरा कहना मानो, आप सारा का सारा सिलेबस लिख लो, क्योंकि कुछ पता नहीं चलता कि वीडियो कब आपके बंद हो सकते हैं। तो अभी सारा सिलेबस आप लिख लो, जो बोल रहा हूँ उनको पढ़ लो, समझ लो, उसके बाद में हम 2 आवर में, लगभग 2 आवर में, है ना, तो जो सारी की सारी CHN है, फिर 2 आवर में वापस रिसर्च, नर्सिंग मैनेजमेंट, OBG, हर साल हम एक एक कदम उठा रहे, 2-2 घंटे में पूरी इसको कंप्लीट कराएंगे। तो अभी आप इनको नोट्स बनाओ ताकि आपको पता रहे, फिर उस दिन मैं वापस आपको नहीं समझाऊंगा पोर्ट क्वारंटीन क्या होता है, ऑयल वाला पूरा एग्जांपल है ना। लास्ट है भाई कॉन्करेंट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट क्या होती है, देखो जरा, कि द फंक्शन लिस्टेड अंडर कॉन्करेंट लिस्ट आर द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोथ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट, कि जो भी फंक्शन है जो किसके अंदर, द फंक्शन लिस्टेड इन अंडर कॉन्करेंट लिस्ट आर द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोथ यूनियन। अब देखो उसमें तो खाली क्या था, यूनियन लिस्ट में सब केंद्र सरकार काम करती थी, इसमें कौन काम करेगी, केंद्र सरकार अकेली करेगी क्या? नहीं सर, इसमें केंद्र सरकार अकेली काम नहीं करेगी, इसमें राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार मिली हुई होगी। तो कॉन्करेंट में कौन होगे सर, दोनों होंगे, कौन होंगे उनसे, यूनियन भी होगा और स्टेट भी होगा। इसका काम क्या, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, यानी कि फूड एडल्ट्रेशन एक्ट क्या था भाई, फूड एडल्ट्रेशन मतलब होता है कि खाने के अंदर कुछ कोई मिलावट नहीं करते, जैसे आपने देखा होगा घी बनाते हैं, देसी घी में आर्टिफिशियल घी डाल देते हैं, आलू को उबाल करके ऐसा कुछ पीस करके, है ना, पता ही नहीं चलता, दाल के अंदर कंकर डाल देते हैं, तो अलग 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 प्रकार से फूड एडल्ट्रेशन एक्ट चलते हैं, मतलब फूड एडल्ट्रेशन होते रहते हैं, उनको ये प्रिवेंशन करने का काम भी अपने कॉन्करेंट लिस्ट का है। उसके बाद में आता है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, जो भी कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है, ठीक है, उसको प्रिवेंशन करने का काम भी किसका, केंद्र राज्य सरकार का और केंद्र सरकार का मिलकर करते हैं। वाइटल स्टेटिक्स ये तो पता ही आपको, इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग ये भी पता है, इकोनॉमिक मतलब क्या, आर्थिक और सामाजिक जो भी प्लानिंग होती है वो, कंट्रोल ऑफ ड्रग एंड पुलिस पॉइजनस, ठीक है, पॉपुलेशन कंट्रोल, फैमिली प्लानिंग का भी काम किसका, दोनों का मिलकर के करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ हेल्थ एजुकेशन मटेरियल फॉर क्रिएटिंग हेल्थ अवेयरनेस थ्रू द सेंट्रल हेल्थ एजुकेशन ब्यूरो और लेबर वेलफेयर, तो ये जो है लेबर का वेलफेयर है, चाहे आपका पॉपुलेशन कंट्रोल है, चाहे फैमिली प्लानिंग है, ठीक है, चाहे आपकी हेल्थ एजुकेशन मटेरियल है, या फिर आपको हेल्थ अवेयरनेस जितने भी प्रोग्राम है, ये सब के सब कौन चलाते हैं, भाई कॉन्करेंट लिस्ट चलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम अगले बात करेंगे DGHS, डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज, ठीक है, यहाँ तक मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको कुछ भी क्वेरी है, या फिर अगर किसी आपको नोट्स वगैरह किसी को कुछ चाहिए, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं 9636591860, इस पर व्हाट्सएप मैसेज कर दें आप 9636591860 पे, ठीक है, थैंक्स, हैव अ नाइस डे। चलो ये आगे थोड़ा सा लिख लेना आप, है ना, इतना सा हल्का फुल्का जो आपको मैं स्क्रीन कर रहा हूँ यहाँ तक, तो आप इसको लिख लेना ताकि जो कल से दें हम समझाना पड़े। ये DGHS
साथ साथ में इसकी स्क्रीन थोड़ी मैं, चलो यहाँ तक आप कर लेना फंक्शन, थोड़ा सा इसको नीचे कर देता हूँ। चलो ये लो BGS का यह चार्ट आप लिख लेना अभी।